वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखो आज वीडियो में बायोलॉजिकल साइंस रो किछटा इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा जो कि आपंकर सेल चैप्टर रहा। तो सेल तार स्ट्रक्चर फंक्शन आउ कंपोनेंट तो आ रिलेटेड आज आम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए, वीडियो को गोटे लाइक करने सांग सहित वीडियो को शेयर करने को जमा भूल। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। नंबर आम जी वन क्वेश्चन नंबर वन आपको देला द टर्म साइटोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट वाज कॉइन्ड बाय। तो सिंपल पचार देखो ये जो साइटोलॉजी टर्म टाक कॉइन करते किए। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोड तो साइटोलॉजी करते किए टर्म ना आपर हार्टविक करते किए करते हार्टविक करते। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आपको देला लार्जेस्ट आ सेलुलर एनिमल एंड प्लांट। तो आपको पचार लार्जेस्ट आ सेलुलर एनिमल आउ प्लांट किए। तो लार्जेस्ट आ सेलुलर एनिमल आउ प्लांट कथा यदि कह तो सी हूँ आप एनिमल है आमेबा आउ आप प्लांट है एसीट आप कौन ना एसीटा बुलारिया। नेक्स्ट साइज कथा देखिए आमेबार आपणकर 1 मिलीमीटर देन आपणकर जोटा रहा 1 माइक्रोमीटर एटा 1 माइक्रोमीटर दे। नेक्स्ट आप रहा जोटा एसीटा बुलारिया तो 10 सेंटीमीटर तार। नेक्स्ट नेक्स्ट हूँ हुई रिगार्डेड आज फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी फादर बोली क्या कहुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो साइटोलॉजी फादर बोली आपणकर रॉबर्ट हुक को कहा जाए। नेक्स्ट हु रिपोर्टेड दैट एंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट बिकॉज ऑफ द सेल बट कलेक्शन ऑफ मेनी मेनी सेल्स। तो ये जो टर्मटा रहा किए टर्मटा कही कौन ना एंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट बिकॉज ऑफ द सेल बट कलेक्शन ऑफ मेनी सेल। तो यहाँ कही आपड़ा ड्यूट्रोसाइट किए करते ना ड्यूट्रोसाइट कहले। नेक्स्ट हु डिस्कवर्ड फास्ट सीन सेल। तो फास्ट देखा जाऊँगा सेल किए डिस्कवर करते। तो फास्ट देखा जा सेल आप रॉबर्ट हुक डिस्कवर करते। नेक्स्ट पॉइंट एन एग्जांपल ऑफ ए न्यूक्लिएटेड लिविंग प्लांट सेल। तो किए गोटे आपर एन न्यूक्लिएटेड जोटा कि आपर न्यूक्लियस ना एन मानने एन न्यूक्लिएटेड लिविंग प्लांट सेल। तो सी हूँ आप सीव ट्यूब सेल किए सीव ट्यूब सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देला एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इज नॉट हैविंग द। तो आप एनिमल सेल आउ प्लांट सेल तो कौन ना आ भितर डिफरेंस हूँ गोटे सेल कंपोनेंट आउ गए अन्य सेल मैंने एनिमल सेल कंपोनेंट प्लांट सेल देखा जाए प्लांट सेल कंपोनेंट से एनिमल सेल देखा है। तो मेन बेसिक डिफरेंस है सेल वॉल प्लास्टिड आपर ग्लाइकोक्सीजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा द फास्ट सेल टू बी डिस्क्राइब्ड वाज आरबीसी ऑफ फ्रॉग। तो क्या द्वारा डिस्क्राइब होता पचार तो सीटा आपर डिस्क्राइब होता क्या द्वारा ना आपर स्वामरडम द्वारा होता। नेक्स्ट ए ट्रू सेल इज गोटे ट्रू सेल हूँ कह आप एमिबा। नेक्स्ट व्हिच इज नॉट एन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इन द सेल। तो सेल भितर के गोटे व्हिच इज नॉट एन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट तो सी हूँ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल गोटा सेल भितर तो व्हिच इज नॉट एन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इन द सेल तो सी हूँ सेंट्रियोल। नेक्स्ट पॉइंट देला आपण देला स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी। तो न्यूक्लियर साइटोलॉजी उपरे स्टडी करिया कौन कहा जाए तो न्यूक्लियर साइटोलॉजी उपरे स्टडी करिया कहा जाए कार्योलॉजी। कौन कहा जाए कार्योलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट नो बडी कैन हाव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल दिस वाज रिमार्क्ड बाय। तो यहाँ को आपंकर लामार्क कहते किए कहते लामार्क। नेक्स्ट पॉइंट देला द अल्ट्रा जोटा कि आपंकर सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेल इज पॉसिबल बाय। तो यहाँ आपंकर क्या द्वारा देखिहब ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखिहब जोटा कि सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। नेक्स्ट रहा व्हाट इज द करेक्ट टर्म यूज फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पाई तो क्यों टर्म टा जनरली यूज करा जाए तो सिंगल सेल थिले सेल यूनिसेलुलर यूज करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के हम केमिति मापी थौ एनएम रे मापी थौ माने आपनकर कोन ना नैनोमीटर। नेक्स्ट आपन देला देखंतु द फास्ट पर्सन टू सी ए फ्री लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप। तो किए फास्ट देखी तो फास्ट लिविंग जोटा फ्री लिविंग सेल तो ल्यूएन हॉक देखी। नेक्स्ट पॉइंट देला लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल दिस वाज स्टेटेड बाय।
तो लिविंग बीइंग माने आपणकर केमिति ना माने कौन लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल। तो प्रत्येक जो मान कि जीवंत लोक तो से सेल द्वारा गठित। तो यहाँ को फास्ट स्टडी करते किए बा स्टेट करते किए ये स्टेटमेंटा को तो सी आप किए ना साचुआन आपर सेलडेन। नेक्स्ट एवरी लिविंग सेल हाज ए तो प्रत्येक लिविंग सेल कौन थाए ना मेम्ब्रेन थाए। नेक्स्ट पॉइंट लिवेनहॉक डिस्कवर्ड तो लिवेनहॉक आप कौन डिस्कवर करते आपको लिवेनहॉक तो देखिए देखो बैक्टीरिया न्यूक्लियस बैक्टीरिया न्यूक्लियस इन आरबीसी ह्यूमन स्पर्म ना आपंकर ऑल ऑफ दिज। तो लिवेनहॉक कौन डिस्कवर करते आपंकर कौन डिस्कवर करते ना यार सब जी ऑल ऑफ दिज हो करेक्ट आंसर माने ऑप्शन नंबर आपंकर कौन ना बैक्टीरिया न्यूक्लियस इन आरबीसी ह्यूमन स्पर्म हो मैंने ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी तो क्यों गोटे डिस्टिंक्ट कैटेगरी को बिलंग करुच्छे तो सी हूँ सेल वाल। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर द फ्लावर वाटर द फ्लावर ऑन ए ट्विग केप्ट इन इट्स रिमेन्स फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू तो कौन पे ना ड्यू टू डिक्रीज इन बैक्टेरियल एक्टिविटी तो बैक्टेरियल एक्टिविटी डिक्रीज कर जीवारो जदि कौन है ना सॉल्टा माने पानी रे बुड़े माने पानी रे पके दबा आ से माने फ्लावर रो जोटा रहा हमें कौन ना तार जो ट्विग टाकू आम से पानी में बुड़े रखा तो सी अधिया दिन पर्यटन फ्रेश रही है। नेक्स्ट पॉइंट देला द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड बाय हुक इन स्पेनिश ओक ओक कॉर्क सेल वाज तो सी आपर जो ओक कॉर्क देखी थे कौन ना सेल वाल देखी थे किए ना रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट ए सेल इज कंसीडर्ड टू बी ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकज तो सेल को गोटे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहुए कौन पे ना इट इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट एक्जिबिट ग्रोथ मेटाबॉलिज्म सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ डुप्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देला ए डेड सेल डिफर्स फ्रॉम ए लिविंग सेल इन दैट तो गोटे डेड सेल लिविंग सेल भितर डिफरेंस रोज कौन ना डेड सेल डिफर्स फ्रॉम ए लिविंग सेल इन दैट इट्स वाइटल प्रोसेसेस आर डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देला देखंतु द साइज ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपन तो गोटे सेल साइज का ऊपर डिपेंड करे ना इट्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इट्स मिनरल एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट ना। नेक्स्ट होउछ अपनकर रेगुलेशन एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस तो राइट आंसर हो ऑल ऑफ दिस माने ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दला द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ए सेल दैट कैन बी सीन विथ एन अनएडेड आई इज तो केते स्मॉलेस्ट साइजटा को आम जनरली अनएडेड आई रे आम देखिपर तो सी हूँ देखूँ 100 माइक्रोस। नेक्स्ट हूँ द हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कल्चरिंग तो हैप्लॉइड प्लांट को आम कौन केमी आम कौन कर तो क्यों उपाय आम हैप्लॉइड प्लांट को तैयारी ऑब्टेन्ड कर तो जनरली आम केमी पाइबा ना आम जदि कौन जोटा दे पोलन ग्रेन के कल्चरिंग आपर पोलन ग्रेन द्वारा। नेक्स्ट देला स्टेम सेल्स कैन क्रिएट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट स्टेम सेल्स कैन क्रिएट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट रेड ब्लड सेल दैट इज आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल ब्लड प्लेटलेट्स ऑल ऑफ दिस तो कौन हो आपर हो देखो ऑल ऑफ दिस हो राइट आंसर कौन हो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इन टिश्यू कल्चर मीडियम द एम्ब्रियोड्स फॉर्मड फ्रॉम पोलन ग्रेन इज ड्यू टू तो क्यों प्रोसेस रे तो आपणकर कौन ना देखंतु सेलुलर टोटिपोटेंसी कौन है सेलुलर टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट नेक्स्ट देला एफसी स्टीवर्ड इज एसोसिएटेड विथ तो एफसी स्टीवर्ड आपणर केमिति माने काहा को रिलेट करचोंदि जेनेटिक्स इम्यूनोलॉजी टिश्यू कल्चर माइक्रो मॉलिक्युलर बायोलॉजी आपण को देजी कौन एफसी स्टीवर्ड तो एफसी स्टीवर्ड आपणर टिश्यू कल्चर को रिलेट करचोंदि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट देला देखंतु ए एबिलिटी ऑफ ए सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म इज तो कौन कहे टोटिपोटेंसी रिजेनरेशन क्लोनिंग मॉर्फोजेनेसिस तो आपर टोटिपोटेंसी कहुए सॉरी आपर कौन कहे ना एबिलिटी ऑफ सेल पचारे तो आपर मॉर्फोजेनेसिस कहुए कौन कहे मॉर्फोजेनेसिस तो एबिलिटी ऑफ सेल पचारे तो होल ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट माने आपर फॉर्म करिवार कैपेबिलिटी जोटा रहा सेल तो मॉर्फोजेनेसिस कहुए। नेक्स्ट पॉइंट देखु ए प्रो देखु ए प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय तो प्रोकैरियोटिक सेल को हमें केमिति कैरेक्टराइज करिपरिबा तो केमिति करिपरिया ना आपणर कौन देछि डीएनए बट नो हिस्टोन डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम बट नो न्यूक्लियस एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन हो आपणर राइट आंसर तो राइट आंसर हो देखंतु आपणर डीएनए बट नो हिस्टोन आउ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माने आपण कहिपरिबे
जे ऑप्शन नंबर ए आउ ऑप्शन नंबर सी, तो ए आउ सी हो मैंने ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस, तो यूकैरियोटिक सेल आप कौन पोजेस करते न्यूक्लियॉइड आपर इनसिपिटेंट न्यूक्लियस ना आपर क्रोमाटिन ना डेफिनेट न्यूक्लियस, तो कौन आप कंटेन करते यूकैरियोटिक सेल पचार। तो यूकैरियोटिक सेल जब पचारा तो जानते डेफिनेट न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट तो डेफिनेट न्यूक्लियस देखो ऑप्शन नंबर डी अच्छे तो डी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला ए प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर आप कौन पाइबे प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पचार। तो प्रोकैरियोटिक रे आप कौन पाइबे ना बैक्टीरिया एंड आपणकर कौन दे आर्ची बैक्टीरिया। नेक्स्ट दे ब्लू ग्रीन आर्ची आउ माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आपन को देखिए देखूँ रिकेट्स आउ ऑल ऑफ दि अबव। तो राइट आंसर है देखो ऑप्शन नंबर के ना ऑप्शन नंबर है बैक्टीरिया आउ कौन है ना आर्की बैक्टीरिया है राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो द स्मॉलर द सेल द मान जदि सेलटा स्मॉलर है देन कौन हम द स्मॉलर द सेल दापर दे द स्मॉलर द न्यूक्लियस मोर इट विल बी एक्टिव मेटाबॉलिटिकली। नेक्स्ट आपन दे लेस इट विल बी एक्टिव मेटाबॉलिकली। नेक्स्ट आपन दे लार्जर द न्यूक्लियस, तो जदि आपणकर स्मॉल है कौन ना सेल तो कौन हम ना मोर इट विल बी एक्टिव मेटाबॉलिकली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट डैश कैन चेंज इट्स शेप कंटिन्यूअसली, किए तो निजर शेपटा को सब चेंज करता है किए, तो राइट आंसर है कौन ना आप डब्ल्यूबीसी डैश चेंज इट्स शेप रे कंटिन्यूअसली। तो राइट आंसर है डब्ल्यूबीसी माने व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट पॉइंट देला डैश इज मोस्ट अबुंडेंट एंड इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म रो केउटी गोटे इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बोली पचार छी प्रोटोप्लाज्म। तो राइट आंसर कौन हम प्रोटोप्लाज्म रो, तो प्रोटोप्लाज्म है वाटर। नेक्स्ट पॉइंट द माइक्रोस्कोप एंड टेक्निक यूज टू स्टडी सेल इन वाइट्रो आर, तो कौन कहुए तो जो माइक्रोस्कोप एंड टेक्निक यूज टू स्टडी सेल इन वाइट्रो कौन कहुए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑटो रेडियोग्राफी ना आप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड टिश्यू कल्चर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर कौन हम, तो राइट आंसर आपर हो देखो जोड़ा रहा कौन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड टिश्यू कल्चर, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट साइंटिस्ट हु अप्लाइड सेल थ्योरी टू एनिमल्स वाज, तो क्यों क्यों साइंटिस्ट तो जानपारे तो राइट आंसर हो कौन ना सचिवन। नेक्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी स्टेटेड दैट, तो सेल थ्योरी कौन कहला सेल थ्योरी कौन स्टेट कला ना सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड इन 1838-39 बाय, तो क्या द्वारा होता सेल थ्योरी पचार, तो सेल थ्योरी पचार सिंपल करदे कौन ना साचुअन आउ सेलडेन। नेक्स्ट वाटसन आउ क्रिक देते करते कौन ना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट आपन देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल लिनेज जोटा कि सेल्स अरेज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स ओनली, जोटा जहाँ कहुए आप सेलुला इ सेलुला वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो सिंपल देखिए जो सेलुला इ सेलुला आपको किए आप प्रोपाउंड करते, तो राइट आंसर है देखो आपको किए करते ना आपको आपते जोटा रहा कौन ना सेलुला इ सेलुला प्रोपाउंड करते किए ना भिड़चो करते किए करते भिड़चो। नेक्स्ट मन रखिए यहाँ इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट पॉइंट ए प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल आप कौन न था पचार प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स आपंकर कौन न्यूक्लियर मेजोजोम्स कौन है न्यूक्लियर मेजोजोम्स। नेक्स्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक लाइजिन, तो मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट लाइजिन, तो कौन हो तो आप राइट आंसर हो मेम्ब्रेन जोड़ा बाउंड ऑर्गेनेल। देन नेक्स्ट देखिए हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट हूँ न्यूक्लियस मैंने ऑल ऑफ द अबव हो। नेक्स्ट पॉइंट दे सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल इन ए टिश्यू रिमेंड यूनाइटेड व्हाट इज द आइडिया ऑफ सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल इन ए टिश्यू रिमेन यूनाइटेड व्हाट इज द आइडिया ऑफ एटा कहार आइडिया थिला पचार छी तो एटा आपन कार दिला ना ड्यूटर चेक करो। नेक्स्ट पॉइंट देला ए पार्ट ऑफ सेल व्हिच कंटेन्स ऑल ऑर्गेनेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, तो सी हो किए ना साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देला प्रिसाइजली स्पीकिंग जोड़ा रहा प्रोटोप्लाज्म इज, तो कौन कोलोइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल कोलोइडल सॉल्यूशन ना सस्पेंशन सॉल्यूशन, तो राइट आंसर कौन है तो राइट आंसर है आप कौन ना आर राइट आंसर है देखो जोड़ा हो कौन ना कॉम्प्लेक्स
क्रिस्टल कोलोइडल सॉल्यूशन तो ऑप्शन नंबर केते जो ने सी हेजो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट दला देखंतु सर्कुलेशन साइक्लोसिस इज कॉमनली सीन इन तो सर्कुलेशन साइक्लोसिस जनरली केउठार देखा जाए तो राइट आंसर हेजो ऑप्शन नंबर अपना रो बी सेल ऑफ एनिमल सेल ऑफ स्टैमिनल हेयर ऑफ ट्रेड्स कैंटिया। नेक्स्ट व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन इट बिकम्स विजिबल एंड कॉल्ड तो ताको कौन कह जाए पचार तो आपंकर टिंडल इफेक्ट बोली कह जाए तो कौन कह जाए टिंडल इफेक्ट बोली कह जाए टिंडल इफेक्ट तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आप इंटरनल मिलियस सॉरी इंटरनल मिलियु इज माने आपंकर यहाँ पचार इंटरनल मिलियु आपर कौन गोटे साइटोप्लाज्म ना ईयर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना माइक्रोट्यूबल्स ना आप माइक्रोफिलामेंट तो आपको आपर कौन कह जाए तो आपको आपर साइटोप्लाज्म कह जाए कौन कह जाए साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट दला ब्राउनियन मूवमेंट इज इन साइटोप्लाज्म इज शोन बाय तो ब्राउनियन मूवमेंट साइटोप्लाज्म रे कहा द्वारा आपर कौन ना कहा द्वारा देखिपर तो सी हो कोलोइडल सॉल्यूशन द्वारा देखिपर। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये हमारे 50 इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल साइंस रे इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करेंगे सांग सहित शेयर करेंगे आउ चैनल को जदि फर्स्ट टाइम पे आसीबे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो थैंक यू।